चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। नौ, दस, बस। माँ जी। क्या है? माँ जी मैं बोल रो रहा हूँ। तो कोई नहीं पुत्र, मैं तेरी शादी करा देती हूँ। कैसी बातें कर रही हो मोमो? हमारे यहाँ ना यही रिवाज है सराज। महमूद। हाँ, हमारे यहाँ यही महमूद है रिवाज कि जैसे ही बच्चा बोर होने लगे ना तो उसकी शादी करा दो। माँ जी मेरी शादी नहीं करनी। हाँ तो फिर क्या करना है पुत्र? हमारी समर वेकेशन हो गई है, मुझे घूमने जाना है। ईशावशे जाओ बेटा, बाहर इतना बड़ा लॉन है, वहाँ घूम लो। मैं सारे फ्रेंड्स घूमने जाने वाली थी थाईलैंड। हाँ तो जा, तू भी उनके साथ चला जा। वो अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं। तो तू अपने पेरेंट्स के साथ चला जा। मोमो हम इसके पेरेंट्स हैं। हाय, तो मैं इसकी मदर नहीं हूँ क्या? जानू, ये जो गली की नुक्कड़ पे दुकान नहीं है, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ से आइसक्रीम खाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। पापा ने बाहर घूमने जाना। नहीं नहीं बेटा, बाहर नहीं जाना, बाहर बहुत गर्मी है। तुम एक काम करो, तुम घर में घूम लो। पापा मुझे थाईलैंड जाना है। बस इतनी सी बात। जाओ अपनी मामा से बोलो, अपने पापा से बोले कि हमें पैसे भिजवाएं। जैसे ही वो पैसे भिजवाएंगे हम चले जाएंगे। ठीक है बाबा। ओके जानू। यार नबील, यार बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं। तो यार उनके पास करने के लिए कुछ है नहीं। तो आपने क्या महमूद साहब उनसे छुट्टियों पे नौकरी करवानी है यार? अरे नहीं, मैं तो कह रहा हूँ बच्चों को लेकर वेकेशन पर थाईलैंड चलते हैं। जेजे भी काफी अरसे से कह रहा है। क्या हो गया महमूद साहब आपको? आपको पता है कितना खर्चा होगा वहाँ पे? अरे आधा आधा मिला लेते हैं यार। ठीक है, कितने पैसे हैं आपके पास? मेरे पास 3,000 रुपए हैं। लाए दें, मैं उनकी डीवीडीज ले आता हूँ। अरे यार बच्चों ने घूमने ही जाना है ना। हा? तो बस आप मुझ पे छोड़ दें, बाकी के पैसे मैं खुद डाल लूंगा। वो जो तुम खुद डालोगे वो बाकी के पैसे होंगे? हाँ जी। अच्छा नबील, ये तुमने क्या सुबह सुबह पट्टी पढ़ाई है चांदी को कि वेकेशन पे जाना और मैं अपने पापा को फोन करूं? तू चढ़ते है ना जानू। फजूल बातें मत करो नबील। खूबसूरत, मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैंने हमेशा उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है और ये भी करूंगा। जल्दी से अपने पापा को फोन करके बोलो कि हमने 2 महीने के लिए थाईलैंड जाना है, पैसे भेजें। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया नबील। तुम्हारी अय्याशियां का काम है कि मैं बच्चों के घूमने के पैसे भी पापा से मांगूं। जानू ज्यादा खर्चा नहीं है, हम सबका मिला जुला कर कोई 10 लाख रुपए चाहिए होगा। What? हाँ हाँ जानू, अपने नंबर से फोन मिलाओ ना पापा को। मैं अपने पापा से पैसे नहीं मांगूंगी। ठीक है जानू, नो प्रॉब्लम, फिर तुम दे दो। मेरे पास सिर्फ 5-6 हजार होंगे। चलो ठीक है, फिर वही दे दो यार। लानत भेजो थाईलैंड पे, हॉक्स पे चलते हैं। क्या? हाँ जानू, बीच वहाँ भी है और यहाँ भी। घर से बिरयानी बना के लेके चलेंगे। शट अप नबील। 2,000 हट कर दे देंगे, 3,000 में गाड़ी मिल जाएगी। 5,000 में जानू थाईलैंड वाली याशी करेंगे, कैसा? शट अप नबील। ओके जानू। हेलो माय डियर सोना, शरारे खेल रहे हो? माँ जी, महमूद साहब। हाय मित्रा। महमूद साहब चले अपना बैग वैग पैक करें यार। अशावशे। अरे वाह यार नबील, तुमने हमारे वीजा भी अपने पासपोर्ट पे लगवा लिए। क्या मतलब? अरे बगैर वीजे के थाईलैंड कैसे जाएंगे यार? हाय, थाईलैंड जाने के लिए वीजे चाहिए, पैसे नहीं। और तुम तो चुप करो मोमो। ओ यार महमूद साहब, वीजे की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ जा रहा हूँ ना। क्या नबील, हम जाकर है? हम हॉक्स में जा रहे हैं सोने। पुत्र, सोने के लिए हॉक्स में जाने की क्या जरूरत है? मुझे तो भाई घर में भी बड़ी अच्छी नींद आ जाती है। अरे लेकिन नबील, तुमने मुझसे 3,000 रुपए लिए थे थाईलैंड जाने के लिए। महमूद साहब, मैंने सोचा इतने ज्यादा पैसे थाईलैंड में कहाँ कहाँ लेके घूमेंगे, यही खर्च लेते हैं। ठीक है पुत्र, फिर तू घर पे ही रह, मैं तो जरूर जाऊंगी। माँ जी, माँ जी आप जल्दी से बिरयानी बना ले, मैं गाड़ी का बंदोबस्त करता हूँ। महमूद साहब 72 सीटर ले लूँ तकरीबन। ठीक है। हाँ। चलो मोमो, थाईलैंड ना सही, हॉक्स पे ही सही, हनीमून तो कहीं भी बनाया जा सकता है ना। कटिया आदमी। हाँ। मजाजी खुदा को। हाँ, जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन? जी जी अली इमरान जी। अली भाई मुझे पिकनिक के लिए गाड़ी चाहिए। नहीं 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 नहीं, गाड़ी में पिकनिक नहीं करनी, पिकनिक के लिए गाड़ी में जाना है। जी जी बड़ी गाड़ी चाहिए यकीनन। जी जी सफेद हो जाए तो अच्छा है। जी जी अरे ड्राइवर की क्या जरूरत है जी, मेरे पास अपनी 10-12 गाड़ी हैं। नहीं नहीं, मुख्तलिफ स्कूलों में लगाई हुई हैं। जी 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 एड्रेस लिखिए जी। जावेद साहब का घर? जी जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, फ्लास स्ट्रीट जी। घर का नंबर? जी जी वो खुद पता कर लें आप। बहुत शुक्रिया, जल्दी भेजिएगा प्लीज। थैंक यू।
माँ जी खूबसूरत माँ जी आप तैयार नहीं हुई? बस पुत्र दम लगाना रह गया। आप दम लगाएंगे? हाँ बिरयानी को। अरे माँ जी जल्दी तैयार हो, हमें निकलना भी है। बस पुत्र मैं ना यू गई तो यू आई। खूबसूरत गाड़ी आ गई। हाँ जानू ये देखो चाबी। चलाएगा कौन? चाबी को? गाड़ी को नबील। मैं चलाऊंगा जानू, और कौन? मैं तो ठीक से गाड़ी चलानी नहीं आती नबील। ओ जानू इतना लंबा रास्ता है, सीख ही लूंगा रास्ते में। तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं पेट्रोल भरवा के आता हूँ। ओके जल्दी आना। ओके जानू। काश नबील बेटा तेरे पास भी ऐसी खूबसूरत गाड़ी होती तो यकीनन कोई पोपट सी बच्ची तो उससे लिफ्ट मांगती। अरे लड़की और लिफ्ट। हाय क्या मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है, ये तो आपकी अपनी गाड़ी है, आइए ना प्लीज बैठिए। हाँ थैंक यू। अरे ये तो मेरा फर्ज था, कहाँ जाएंगी आप? मैं तो बेघर हूँ, अपने घर ले चलो। वैसे घर में हो मुश्किल तो दफ्तर ले चलो। दोनों जगह मुश्किल है, कोई तीसरी जगह बताए। फिर एक काम करते हैं, इसी गाड़ी में घूमते हैं। हे, ये आइडिया ब्रिलियंट है, चले। ये गाड़ी आप ही की है ना? जी 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 जी, मेरे पास ऐसी कोई 7-8 गाड़ी है, ये तो सबसे चीप वाली है, मुलाजमों को देता हूँ सब्जी के लिए। अच्छा हाँ। मुझे लगता है आपको गाड़ी ठीक से ड्राइव करना नहीं आती। वो क्या है कि वो मेरी गाड़ी तो सारी ड्राइवर चलाते हैं, मैं तो पीछे बैठ के बस अंग्रेजी अखबार पढ़ता हूँ। आपका नाम क्या है? नरगिस। है? फिर तो आप डांस भी कर लेती होंगी। ऐसा वैसा। अच्छा चले ना लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। हाँ हाँ लॉन्ग ड्राइव पर ही तो जा रहे हैं। हेलो हेलो नबील कहाँ हो यार, हम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तैयार बैठे। जानू मैं ना पेट्रोल भरवा रहा हूँ, यहाँ बहुत रश है, एक दो घंटे लग जाएंगे जानू। क्या? जानू बस तुम फोन रखो, मैं पेट्रोल भरवा के आ रहा हूँ। ओके बाय। ये जानू कौन है? वो मेरा छोटा भाई है, मैं ना उसे प्यार से जानू कहता हूँ। ओह सो क्यूट। अब लॉन्ग ड्राइव पे चलें? हाँ चलते हैं, लेकिन पेट्रोल? वो तो मैंने पहले भरवा लिया था। ओ शरीफ। आप ब्रेक करा ब्रेक करा। देखिए हम भी तैयार हो रहे हैं। अरे मोमो ये तुम क्या कर रही हो? मैं हलीम खा रही हूँ। सलीम बिरयानी? हाँ मैं हलीम खा रही हूँ बिरयानी। अरे मोमो अगर तुम खाना घर से खा लोगी तो पिकनिक पे जाके क्या खाओगी? मैंने बहुत सारी हलीम पकाई है क्लीम, तो मैं उधर जाकर भी खा लूंगी। यार खूबसूरत नबील कहाँ रह गया? पता नहीं सोना। ओह गॉड आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? रास्ते में कोई कोटी नहीं है। बहुत मजाक करते हैं आप। आप भी बहुत जॉली हैं। अरे देख के चलाए ना। आपको देखकर ही तो चला रहा हूँ। सॉरी वो सड़क खराब है थोड़ी सी। आपको तो वाकई सही गाड़ी चलाना नहीं आती। दरअसल ना यहाँ की सड़कों पर मुझे प्रैक्टिस नहीं है ना गाड़ी चलाने की, इसलिए जरा। अच्छा एक काम करे ना, गाड़ियाँ रोके ना। लेकिन ये जगह तो बहुत ही सुनसान है। इसीलिए तो कह रही हूँ रोके ना। अभी रोकता हूँ। ये ले बोलो जानू। अभी बोलती हूँ। अरे आपको जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है, मैं तो वैसे ही राजी हूँ। उधर गाड़ी से ना ठोक दूंगी। गाड़ी नहीं बे साले तुझे ठोकूंगी उधर। ये आप किस तरह की बर्गर लाइनें बोल रही हैं, आप कैमरा से लेटर दिलवाएंगी मेरे ड्रामे का? क्यों बे मैं बोलूँ तो बर्गर हो गया, तू बोले तो लाइनें हो जाती है। उधर चल उधर गाड़ी से और फोन और वॉलेट दे मुझे। जी 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 चल दफा हो यहाँ से। देखें
देखें मुझे ना घर तक लिफ्ट दे दें। ज्यादा है, मारू गोली। नहीं नहीं, मैं निकल आऊं। गोली ना मारिएगा, गोली ना मारिएगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जी। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए। महमूद साहब, चांदी तो सो गई है। सोना भी सो गया है, लेकिन ये नबील कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? उसे फोन करो, उसका फोन बंद आ रहा है। क्या? हाँ, कहीं उसका फोन छीन तो नहीं गया? आजकल तो बड़ी वारदातें हो रही हैं। अब क्या करें महमूद साहब? करना क्या है, इंतजार। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके पास मोबाइल होगा? नहीं, मेरे पास मोबाइल नहीं है। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। ओ भाई, मैंने मोबाइल छीनना नहीं था यार, मेरे घर कॉल करनी थी, बताना था मैं लुट गया हूँ यार। जी जी, मैं रेंटा कार से आया हूँ। गाड़ी वापस लेने? ओ नहीं नहीं जी, वो मैं असल में नबील साहब को बताना भूल गया था, गाड़ी में चोर स्विच भी लगा हुआ है, वो जहाँ भी गाड़ी खड़े करे ना जी, चोर स्विच ऑन कर दें। अच्छा, गाड़ी कहाँ है? वो नबील पेट्रोल डलवाने लेके गया है। ठीक है जी, मैं उनका वेट कर लेता हूँ, ताकि वो आए तो मैं उनको चोर स्विच दिखा सकूं। ठीक है। मैं अंदर आ जाऊं? आ जाएं। हाय, कौन है तू और मेरी बहू का पीछा क्यों कर रहा है तू? है माँ जी, ये रेंट कार वाले हैं जिनसे गाड़ी मिली है हमें। अच्छा अच्छा, अब आप आए ना, बैठे ना प्लीज। पुत्र जा जाके ठंडा शरबत लेकर आओ इनके लिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हा? हेलो। हेलो, कौन? जानू नबील। नबील कहाँ हो तुम यार, इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और ये किसके नंबर से फोन कर रहे हो? जानू, तुम रो क्यों रहे हो? तुमने क्या गाड़ी मार दी? हैं? मेरी गाड़ी मार दी? आए! अच्छा नहीं नहीं, गाड़ी नहीं मारी है। शुक्र है नहीं मारी। जानू, गाड़ी छिन गई है। क्या, गाड़ी छिन गई गन पॉइंट पे? मेरी गाड़ी छिन गई। जानू, मैं घर आ रहा हूँ। वो गाड़ी तो छिन गई है। अरे मेरी गाड़ी छिन गई, और इतने आराम से बोल रही है आप? अरे भाई, तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? गाड़ी इंश्योर्ड होगी ना? और नहीं थी इंश्योर्ड। क्या, आपने 20 लाख रुपए की गाड़ी हमें बगैर इंश्योरेंस के दे दी? बहुत बुरा किया आपने, अब भुगते हैं। अब बकवास बंद करो, तुम लोग ने पेपर साइन किए हैं, गाड़ी को कुछ हो गया तो नुकसान तुम लोग पूरा करोगे। ये साइन किसने किए थे? उस नबील ने। ओ तो फिर ये नबील का और आपका मामला है, मैं बीच में क्यों बोल रहा हूँ खाम खा में? मोमो जाओ बिरयानी निकाल के रहो, बहुत भूख लग रही है। छोड़ूंगा नहीं साले को, आज तो या तो अपने 20 लाख रूपए लेके जाऊंगा या फिर उसको साथ ले जाऊंगा। बहुत बिरयानियाँ मोमो, पानी तो डालो थोड़ा सा। खाने भी नहीं गए, कितनी की पसूड़ियां डालते हैं बीच में आप हैं। नबील, घर क्यों आ गए हो? तू कहाँ जाता जानू? नबील, वो रेंट कार वाला बंदा आया है, वो कह रहा है या तो गाड़ी के पैसे लेके जाऊंगा वरना छोड़ूंगा नहीं। जानू, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं मर जाऊंगा, तो माँ जी की चादर लेके आओ। तुम माँ जी की चादर पर वॉशरूम जाओगे? खुदा का वास्ता, लेके आ जाओ चादर, समझ नहीं रही हो तो। जाइए बहन जी, कमरे में जाइए। ओए रुक। देखिए ये रुक नहीं सकती। बंद करो ये नाटक। ओए आज छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। ओ भाई, जो करना है बाद में कर लेना, और खुदा का तुझे वास्ता, ये पकड़, मुझे बाथरूम जाने दे, बाथरूम जाने दे। नबील जल्दी बाहर निकलो यार। जानू, पहले इस आदमी को घर से बाहर निकालो यार। ये ऐसे नहीं जाएगा नबील। मैं भी ऐसे नहीं आऊंगा जानू, यहाँ खड़े खड़े मर जाऊंगा लेकिन बाहर नहीं आऊंगा।
ए, खोल दरवाजा नहीं तो तोड़ दूंगा मैं। ये दरवाजा बहुत मजबूत है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। मैं गोली मारने से तो टूटेगा ना। मोमो चिकन तो थोड़ा और डालना था, मैं बोटियां इस घर में इतनी टेंशन चल रही है और तू यहाँ बैठा बिरयानी खा रहा है। भाई ना आप भी खा ले, बड़ी मजेदार बिरयानी है। जी हाँ, अब बकवास बंद करो और उस नबील को बाहर निकालो वॉशरूम से। अरे भाई हम कैसे निकालें? और तू है कौन उसका? कोई भी नहीं, ये उसके अब्बा है। चलो इधर आ। बात सुन जी भाई, बोले तेरा बाप मेरे कब्जे में है, तीन तक गिनूंगा मैं, अगर तू बाहर नहीं आया मैं इसको गोली मार दूंगा। भाईजान। हाँ बे बोल। गिनती शुरू हैं? नबील। अरे भट्ट साहब आप जरा जल्दी से हमारे घर आ जाएं। वो एक्चुअली हमने ना रेंट पे गाड़ी ली थी और वो चोरी हो गई है। अब जिस बंदे से रेंट पे गाड़ी ली थी ना वो गन लेके घर में घुसा है। भट्ट साहब आप प्लीज जल्दी से आ जाए ना, अगर नबील के अलावा किसी को उसने गोली मार दी ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। चल भाई कलमा पढ़ ले फिर। नहीं खबरदार, मेरे मियां को गोली मारने से पहले मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा तुझे, रेंटे कार वाले भाई। ठीक है पहले तेरे को मार लेते। कितना का कयूट है, मजाक नहीं समझता। मामो चुप है, मौत अपनी अपनी भाई। एक तो अबे तू, तुझे तो मैं कब से ढूंढ रहा था। बच्चा भी आपका बंदर है। अरे ये और इसका गैंग जेल से भागा हुआ है। क्या? लेकिन ये तो हमारे पास रेंट कार से आए हैं, इसकी तो गाड़ी चोरी हो गई थी। अरे ये और इसका गैंग यही कारोबार करते हैं, ये पहले लोगों को गाड़ियां किराए पे देते हैं, फिर इसके गैंग की लड़कियां लिफ्ट मांग के गाड़ियां चोरी कर लेती हैं और बाद में ये लोग पैसे निकलवाते। मुझे पहले ही पता था नबील किसी लड़की के चक्कर में गाड़ी छिनवाएगा। आप गलत कह रहे हैं यार, इन लोगों ने मुझे ट्रैप किया था। जो भी है दरवाजा तो बंद कर, इतनी बदबू आ रही है। तो मारी, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो खड़ा था अंदर। चल लो थाने, तुझे मैं देता हूँ 20 लाख रुपए, तेरे तो सर पे खुद 5 लाख का इनाम है। इसका मतलब 5 लाख रुपए के हम हकदार हुए ना। चले इसको जान पे खेल के मैंने पकड़ा। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है।